सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। मैं केवल लखनऊ का है, केसरबाग का एक पीपीपी पे तो आलमबाग चला ही गया है, जो पीपीपी पे बन रहा है आलमबाग का बस स्टेशन अच्छा बेहतरीन स्टेशन बन रहा है, उसी तर्ज में सुविधाएं बेहतर मिले लोगों को जो बस से चल रहे हैं उनके लिए केसरबाग में एक नया बस स्टेशन बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। हमारी कोशिश होगी कि जहां जहां डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ साथ जो बस स्टेशन है उनके यहाँ उनको भी बेहतर बना करके कम से कम बस में चलने वालों को सुविधाएं बेहतर मिले, आम समझदारी लोग हैं। और जो केसरबाग का स्टेशन होगा हमारी कोशिश होगी कि कम समय में और बेहतरीन आधुनिक बन सके, जल्दी बना दें। साइकिल एक्सप्रेस पे तो बधाई मुख्यमंत्री जी को, बधाई कि उन्होंने और जो रिजल्ट आएगा अभी जो देखने को मिल रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तय करेगी उस बात को, लेकिन जो दिखाई दे रहा है जो अखबारों से देखने को सुनने को मिल रहा है वो तो बधाई है उनको मुख्यमंत्री को। अब गेहूं कहाँ बचा, किसी खेत में नहीं बचा, सब उठ गया सर, उठ गया गेहूं। देखिए कम से कम किसान को सुविधा मंडी तो दी है, लेकिन अगर कोई व्यापारी अच्छी कीमत दे रहा है किसान को तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। साइकिल एक्सप्रेस वे के बारे में बताइए कि ये किस तरह का रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, मैं अपने समाजवादी साथियों का और जनता का धन्यवाद दूंगा और तमाम कार्यकर्ता नेताओं का, मंत्री लोगों का, कि जिन्होंने साइकिल के कार्यक्रम को लोगों तक जो समाजवादी कार्यक्रम है उनको पहुंचाने में पूरा प्रचार किया, साइकिल चलाई इतनी गर्मी में, मैं सबको बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। देखो एक देखिए बुंदेलखंड की तो मदद कर ही रहे हैं, ये तो महबूब अली बता सकते हैं।